Okay, so welcome to our 10th session of C Sharp Online. Today we are going to continue our previous sessions. Okay, so last sessions के अंदर हमने कहाँ तक काम किया था? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी करता हूँ. एक तो ईद की वजह से और थोड़ी सी वो बारिशें वगैरह का मौसम था, तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा सेशंस के दरमियान गैप आ गया. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम 6 सितंबर. ओके, सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक काम छोड़ा था और आज हम कहाँ से कंटिन्यू करने लगे. ठीक है, सो ये हमारे लास्ट टाइम ये हमने इतना काम किया था. हमारे पास एक फॉर्म है और इस फॉर्म के ऊपर हमारे पास एक टीचर का कंट्रोल हमने ऐड कराया था, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स थी और वो हमारे पास जैसे डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है. तो आज हम ये जो इशू हमें फेस हो रहा है, इसको आज हम कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग्स एटसेट्रा. ठीक है, और इसके अलावा आज मैंने एक और बात भी सोची है कि हम ऑथराइजेशन वगैरह का जो काम है वो भी आज करें. ठीक है, सो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही स्टक हो गया. नॉर्मली एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद इसको ओपन करते हैं तो ये थोड़ा डेटाबेस एक्सेस करने में टाइम लगता है. ठीक है, बेसिकली हम लोग डेटाबेस से ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यूज हैं ये लेके आ रहे थे, इस वजह से टाइम ले रहा था. तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो एक हैंगिंग हो रही है इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और आज के सेशन के अंदर जो दूसरी चीज़ आज हम करेंगे वो ऑथराइजेशन वगैरह का काम करेंगे, जैसे कि हमारे पास लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की जो स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो इशू है इसको देखते हैं. ये इशू कहाँ पे हमें फेस हो रहा है? जब हम अपने फॉर्म के ऊपर जाते हैं. ठीक है, और फॉर्म के ऊपर हमने टीचर्स के बटन पर जो क्लिक इवेंट कॉल कराया है, इसके ऊपर हम शो कंट्रोल करा रहे हैं. तो शो कंट्रोल में हम यहाँ पर क्या कॉल करा रहे हैं? क्रिएट टीचर का कंट्रोल. सही है, सो ये जो इशू है ये क्रिएट टीचर के कंट्रोल के ऊपर है हमारे पास. क्रिएट टीचर के कंट्रोल में जाते हैं तो अब जाहिर सी बात है जब ये कंट्रोल लोड हो रहा है तो उस वक्त ये इशू हमें फेस हो रहा है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करके व्यू कोड करते हैं. ठीक है, और हमारे पास इसका आई थिंक लोड का इवेंट ये रहा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, ज़रा इस मेथड को नीचे रख लेते हैं ताकि हमारे पास लोड का इवेंट सबसे ऊपर ही रखें ताकि आपको एक्सेस रहे उसका ईजीली. ठीक है, बाकी ये जो बटन क्लिक है उसको नीचे रख देते हैं. ओके, सो ये हमारे पास जो इसका क्रिएट टीचर कंट्रोल का जो लोड इवेंट है ना, इसके अंदर हमारे पास ये इशू फेस हो रहा है. हम एक लिस्ट ले रहे हैं स्कूल्स की. ठीक है, गेट ऑल स्कूल्स फ्रॉम डेटाबेस. ये एक्चुअली हम लोग सर्विस कॉल कराई थी और ये सर्विस एक्चुअली मेन टाइम ले रही है हमारा. सही है, उसके बाद तो हम लोग सिंपल एक फॉर ईच की लूप लगा के अपने पास जो हमारी कॉम्बो बॉक्स है उसके अंदर शो करा रहे हैं. ठीक है, तो मेन चीज़ मुझे जो अभी तक लग रहा है वो ये है कि हमारी जो सर्विस कॉल है ना, ये डेटाबेस को एक्सेस करने की टाइम ले रही है. इसके लिए हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नॉर्मली थ्रेडिंग यूज़ की जाती है. ठीक है, इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम हम लोग थ्रेडिंग यूज़ करते हैं. अब थ्रेडिंग के अंदर होते क्या है? थ्रेडिंग अगर बेसिक आइडिया दूँ आपको तो थ्रेडिंग के अंदर हमारे पास पैरेलल प्रोग्रामिंग होती है. ठीक है, नॉर्मली जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक थ्रेड के अंदर होता है. एक मेन जो हमें फॉर्म शो हो रहा है वो एक ही थ्रेड के अंदर काम हो रहा होता है. तो अगर हम चाह रहे हैं कि ऐसा काम जो बैकग्राउंड के अंदर हो, जो कि बैकग्राउंड के अंदर मतलब हमारे जो मेन फ्रंट है उसके साथ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थ्रेडिंग में क्या होगा, दूसरी एक थ्रेड बन जाएगी जो कि पैरेलल में चल रही होगी और उसका जब रिजल्ट जनरेट हो जाएगा तो वो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर शो हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम ये तो मैंने बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसके अलावा इसकी जो डिटेल होगी वो मैं काम करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप उसको लिंक को मजीद एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम थ्रेडिंग यूज़ करने वाले हैं. अब इसमें थ्रेडिंग हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? जो मेन चीज़ है जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है वहाँ पे देखें. ठीक है, अब ये जो सर्विस कॉल है, इस सर्विस कॉल को राइट क्लिक करके हम जाते हैं गो टू डेफिनेशन में. ठीक है, जब हमने इसको गो टू डेफिनेशन किया तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर डेटाबेस की कॉल लगा रहे हैं. ज़िया कुछ कह रहे हैं? शौकत क्या हाल है आपके? अच्छा, बिलाल आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बिलाल आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा चलो, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ. पहले बिलाल का एक्चुअल सवाल ये है कि थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग से क्या मतलब, हमारा प्रोग्राम फास्ट हो जाता है. तो ये बिलाल का सवाल है. मैं काम करता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ. ठीक है, ये मैं एक पेंट है मेरे पास और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाए. ओके, जूम इन. ओके, सो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ या एक थ्रेड के थ्रू बताता हूँ आपको. ये जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा प्रोसेसर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को एक, अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही छोटी होगी, थोड़ी सी स्पेस मुहैया कर देते हैं. ठीक है, हमारे प्रोग्राम को. और वो होता क्या है,
वो एक सिंगल थ्रेड होता है, सिंगल एक आप ये कह सकते हो कि सिंगल प्रोसेस, ठीक है। थ्रेडिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोसेस मिल जाते हैं हमारे प्रोग्राम को चलने के लिए, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम सारी जिंदगी इसी 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 थ्रेड के ऊपर चलता रहता है, अनलेस जब हम हमें ऐसी रिसोर्स चाहिए हो जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज मुझे इस पॉइंट के ऊपर, ये जो मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पे मुझे डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए। अब डेटाबेस के ऊपर जब क्यूरी लगेगी तो वो थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को यहाँ से आगे चलने दूंगा यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से मैं एक अलग थ्रेड बना दूंगा, कंप्यूटर को कहूंगा कि मुझे आप एक अलग प्रोसेस दो जो क्या करे, वो डेटाबेस को एक्सेस करे, ठीक है, और जब डेटाबेस का रिजल्ट बन जाए तो वापसी मेरे मेन थ्रेड के ऊपर, जो ये मेरा मेन थ्रेड है जिसके ऊपर मेरा प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा है, इसके ऊपर वापसी आ जाए रिजल्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से हो क्या रहा है, ये जो पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे एक थ्रेड आया ना, ये एक तरह की थ्रेडिंग है। मेन चीज ये है, एक प्रोसेस हमारा मेन प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा है, और दूसरा प्रोसेस हमने क्या स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं या कोई ऐसा ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं जो बहुत टाइम लेगा। थ्रेडिंग से हमारा प्रोग्राम फास्ट नहीं होता है, थ्रेडिंग से एक तरह से क्या हो जाता है कि जो हमारे मेन मेन थ्रेड है ना, उसके ऊपर से हम लोग बर्डन खत्म कर देते हैं। मतलब अब ये देखो, अगर हम डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके ऊपर, जब ये जो कॉल जाती है ना, हम जैसे भी ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब इसको एक मेन थ्रेड असाइन हो जाएगा, वो मेन थ्रेड जब डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो एक लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो जब तक वो टाइम लग रहा होता है, तब तक हमारा प्रोग्राम क्या है, एक हैंग हुई हुई हालत में होता है। तो ये चीज को हम लोग रोकना चाह रहे हैं। जैसे मैं टीचर पे क्लिक कर रहा हूँ, अब ये क्या है, डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये हमारा फॉर्म एक तरह का हैंग हो चुका है। तो हम इस चीज को रोकना चाह रहे हैं कि ये जो 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 चीज टाइम ले रही है ना, इसको बैकग्राउंड के थ्रेड में भेज दो, और वो जब बैकग्राउंड का थ्रेड कंप्लीट हो जाए तो वो वापसी रिजल्ट हमें वापसी ले। अब जैसे जो रिजल्ट है वो यही होगा कि जो स्कूल की लिस्ट है, यही हमारे पास बैकग्राउंड के वाले प्रोसेस से आएगी, हम लोग इसको यहाँ पे शो करा देंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी यही करने जा रहा हूँ इसके थ्रेडिंग के अंदर। होपफुली बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर हो चुका होगा। मैं अभी बाकी डिटेल के लिए वो आफ्टर सेशन में आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी वो सेशन के दौरान हम डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम कम है थोड़ा। तो अब हम वापसी आते हैं क्रिएट टीचर कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। और मैं ये बता रहा था कि जब ये इसके लोड इवेंट है, उसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस को कॉल लिखी हुई है ये रही, ठीक है। और जाहिर सी बात है, डेटाबेस को कॉल हम लोग सर्विस लेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो ये काम हम लोग जो करेंगे थ्रेडिंग अप्लाई, वो हम सर्विस लेयर के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब मैं इस मेथड पे जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोगों ने मेन काम किया हुआ है, ठीक है। गो टू डेफिनेशन, ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर हम लोग डेटाबेस से डाटा रिटर्न करा रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं, थ्रेडिंग के अंदर होते क्या, हमारे पास टास्क होते हैं मल्टीपल, ठीक है। काफी वैसे तरीके हैं, लेकिन मेन चीज जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं वो होते हैं टास्क, सही है। हम लोग टास्क असाइन करते हैं एक थ्रेड को, और उसको कहते हैं कि यार ये थ्रेड ये टास्क कंप्लीट करेगी और वो मुझे रिटर्न कर देगी। उसका बेसिक सा एक जो सेंटेक्स है वो मैं आपको बता दूं, जो कि .NET ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो कुछ इस तरह है, ठीक है, सही है। अब मैं टास्क डॉट फैक्ट्री, ठीक है, डॉट स्टार्ट न्यू, सही है, और ये कुछ इस तरह से, सही है। और इसके अंदर मैं, अच्छा एक चीज पहले मैं आपको बता दूं जो कि आपने माइंड में रखी है, हो सकते हैं आपके पास ये टास्क एक्सेस ना हो रहा हो, ठीक है। तो अगर ये एक्सेस नहीं हो रहा, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क ये कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये नहीं भी है, तो फिर आप राइट क्लिक करके इसके वो क्विक एक्शन रिफैक्टरिंग के थ्रू भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास एक बेसिक सा, मैंने क्या किया, एक टास्क स्टार्ट किया है, और इसको मैं इसकी जो ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर इसको बताऊंगा कि मुझे कौन सा टास्क स्टार्ट करवाना है, ठीक है। वो हम किस तरह से देते हैं, वो हम इस तरह से, इसको ये सेंटेक्स कुछ इस तरह से है, ये बस आपने माइंड में रखना है, और मजीद डिटेल इसके आप देख सकते हैं, इस तरह लिखना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सिंपल ये, दैट्स इट। अब इसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स हमने दो बनाई है ना, इसके अंदर जो हम काम लिखेंगे वो क्या होगा, वो ये टास्क परफॉर्म करेगा, ओके। सो जो भी इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा वो ये टास्क परफॉर्म। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, जो कि डेटाबेस को कॉल भेज रही है, मैं सिंपल इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और इसको इस मेथड, ये जो मैंने एक दो लाइन लिखी है, इसके दरमियान मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो टास्क है जो कि अलग से थ्रेड के ऊपर चलेगा, वो क्या परफॉर्म करेगा, वो थ्रेड ये वाला प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और मेरा जो मेन थ्रेड है उसको उसके साथ इशू नहीं आएगा, ठीक है, उसको हैंग नहीं होने देगा। अब मैंने ये लाइन तो लिख दिया, हमारे पास एक एरर आ रहा है, वो एरर क्या है हमारे पास वो देखते हैं, ठीक है। नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू, सही है। अच्छा, एक तो ये इशू आ रहा है हमारे पास कि भाई ये जो टास्क है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। दूसरा ये कि जब हम टास्क यूज कर लेते हैं ना, जब हम थ्रेडिंग यूज करते हैं, थ्रेडिंग के अंदर टास्क यूज करते हैं, तो हमारे पास जो इसकी रिटर्न टाइप है ना, वो फिर ये लिस्ट ऑफ स्कूल नहीं रहेगी, ये हमारे पास हो जाएगी टास्क
ऑफ लिस्ट ऑफ स्कूल। ओके, सो ये बेसिकली हमारा एक एक तरह का काम हो रहा होगा इसके अंदर। ओके, सो अब हम इसमें देखें, नॉट ऑल फुट पाथ रिटर्न्स वैल्यू। ओके, सो व्हाई इज इट? ओके, लेट्स चेक दिस। नहीं, यहाँ पे तो नहीं होगा ये। इसमें हम क्या चेंजेस कर रहे हैं? रिटर्न टास्क ये हमने कर दिया इधर। ओके, अच्छा चलो एक चीज देखते हैं, तब तक हम इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाकी वापस। अच्छा, ये मैंने अभी बना दिया एक मेथड, ठीक है, और ये मेरे पास क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसको मैं फ्रंट एंड पे किस तरह से यूज करूंगा इसको, मैं वो आते हैं, ठीक है, टीचर कंट्रोल पे आते हैं वापस यहाँ पे, और यहाँ पे हम नोट करते हैं इसमें। अच्छा, अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये जो ये है ना, जो हमने थ्रेड, जो हमने सर्विस कॉल यूज की हुई थी उस पर एरर आने लग गया। उसके एरर की क्या वजह है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट वगैरह 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 टू ये, सही है। तो वो क्या रहा है कि ये कह रहा है कि वहां से अब क्या रिटर्न हो रहा है, वहां से टास्क रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब टास्क को आपने क्या करना है, यूज करना है। अब टास्क को यूज करने के लिए यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल भी बताई है, लिस्ट स्कूल एक्स इक्वल टू अवेट। तो जब आप टास्क यूज करेंगे तो फिर आपको उसके साथ अवेट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसका वेट करें, ठीक है, और जब तक वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड यूज कर लेंगे अवेट। अब जब हम अवेट यूज कर लेंगे तो अवेट के साथ हमारे पास एक और मसला आएगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। अवेट ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज विद इन एन एसिंक मेथड, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या क्या कह रहा है कि जो हमारा मेथड है ना, ये भी एसिंक होना चाहिए, एसिंक्रोनस होना चाहिए, ठीक है। एसिंक्रोनस के बारे में मजीद डिटेल आपको, थोड़ा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी इसकी वजह से, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो थ्रेड है ना वो इसका इंतजार करता है, सही है, जब तक ये कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद आगे कंटिन्यू करता है। सो ये तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को सिंपल एसिंक बनाने के लिए हम यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड यूज कर देंगे, वॉइड से पहले या जो उसके रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो ये मैंने एसिंक यूज कर लिया, अब मेरा काम यहाँ तक का तो कंप्लीट हो चुका है। ये जो एक इशू आ रहा था इसको देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। ओके, टास्क डॉट फैक्ट्री डॉट स्टार्ट न्यू रिटर्न, यहाँ पे हमने रिटर्न तो कर दिया, नॉर्मली तो हम यही काम कर रहे होते हैं। एक दफा मैं काम करता हूँ, कंफर्म भी कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, गॉट इट। रिटर्न भी तो करना है ना हमने इस टास्क को। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। यप, कुछ ना कुछ इसके कीवर्ड का आइडिया जो है ना माइंड से निकल जाता है। खैर, एनीवे अब हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है। ये सिंपल मैंने एक एक्शन बनाया, ठीक है, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक टास्क रिटर्न कर रहा है, जो कि परफॉर्म क्या कर रहा है, एक्चुअली वही काम कर रहा है जो पहले था। अब सिर्फ हमने सिंपल किया क्या है, हमने थ्रेडिंग अप्लाई कर दी। ये बहुत ही मिनिमम काम है एक थ्रेडिंग अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और नॉर्मली थ्रेडिंग को अप्लाई करने के लिए हमारे पास बहुत लेंदी लेंदी वर्क अराउंड भी होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जो सबसे बेसिक और सबसे कम काम वो मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जरा फर्क क्या है, ठीक है। अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंट्रोल F5। ओके, लेट्स सी द चेंज, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और इस टाइम हमारे पास जब मैं टीचर पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा फॉर्म लोड हो चुका है। लेकिन एक चीज नोट करते हैं, अब देखो यहाँ पे कोई भी स्कूल ड्रॉपडाउन में नहीं आया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभी हमारा वो टास्क परफॉर्म नहीं हुआ है। जब वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये चीजें आ गई, ठीक है। आपने चीज नोट की, दोबारा से मैं आपको चीज दिखाना ये चाह रहा हूँ। जब मैंने टीचर कंट्रोल पे क्लिक किया, अब टीचर कंट्रोल लोड तो हो गया, कोई हैंगिंग नहीं हुई, लेकिन वो नहीं आए थे, अभी आपने नोट किया शुरू में नहीं आए थे, लेकिन ये उसके बाद अपियर हुए हैं। ओके, सो हुआ क्या है, हमारा जो वो था प्रोग्राम वो कंटिन्यू ऑन हो गया, इसके बावजूद क्या अलग हम अभी इसका इंतजार कर रहे थे, उसने कंटिन्यू कर दिया हमारे प्रोग्राम को, हमारे थ्रेड को, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें हो गई, वहाँ जो जो भी हमारा कंट्रोल था वो यूजर के सामने शो हो चुका है, उसके पर कोई हैंगिंग वगैरह नहीं हुई। लेकिन बैक एंड में क्या हुआ था, अभी डेटाबेस को क्यूरी यूज डेटाबेस के ऊपर क्यूरी अप्लाई हो रही थी, और जब वो अप्लाई हो गई तो उसके बाद हमने फॉर ईच की लूप के थ्रू उसके पर सारा लूपिंग किया, और उसके बाद हमने अपने पास फॉर्म बॉक्स में उसको शो कराया। ओके, सो होपफुली आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हम जो अगला ऑथराइजेशन वगैरह वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम इसको और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब
हमें तो पता चल गया क्योंकि हमें पता है, हमने ये प्रोग्राम लिखा है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो अभी वो चीजें यहाँ लोड नहीं हुई हैं, ठीक है, ये बाद में लोड हो रही है। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि यार चीजें अभी लोड हो रही हैं? तो नॉर्मली अगर आप वेबसाइट्स के अंदर देखें, वेबसाइट का तो पेज लोड हो रहा होता है, ऊपर हमें ये जो टैब है, टैब के अंदर ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है कि पेज लोडिंग, पेज लोडिंग, पेज लोडिंग, ठीक है। तो हम अब सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए मैंने जो सोचा है, मैंने ये सोचा है कि हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर यहाँ पे साइड पे हम लोग एक छोटी सी इमेज लगा लेते हैं, ठीक है, जिफ इमेज हो, जो कि क्या हो रही हो, शो हो रही हो, और उसके अंदर लोडिंग 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 हो रही हो। जैसी चीज लोड हो जाए तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाए, वो हाइड हो जाए, तो यूजर को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा चलो ये चीज अभी चीज लोड हो रही थी, अब लोड हो चुकी है। तो उसके लिए बेसिक सी चीज हम क्या करेंगे, मैं अपने वापसी क्रिएट टीचर कंट्रोल पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने वो इमेज लगानी है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर एक इमेज ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, इमेज, अच्छा पिक्चर बॉक्स, सही है, ये पिक्चर बॉक्स में मैंने यहाँ पे डाला इसको। अच्छा एक चीज पहले कर लेते हैं, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो इमेज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ना, इसकी विथ एंड हाइट सेम रखें, ठीक है, बिल्कुल सेम लेंथ एंड हाइट हो उसकी। ओके, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसका साइज रख रहा हूँ 50 बाई 50, ठीक है, या जो हमारे पास इसकी इसकी हाइट है ना, वो कितनी है हमारे पास हाइट, इसकी हाइट है 73, तो 73 बाई 73 कर लेते हैं इसको। ओके, आई थिंक शायद आई मैस्ट इट, 73 बाई 73, ओहो 73 बाई 73, ओके, तो दैट्स इट। अब हमारा ये जो इमेज होगी ये कंप्लीटली स्क्वायर होगी, ठीक है, और मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ। अलाइनमेंट में एक बार फिर वेरीफाई कर लें कि ये जो बॉर्डर्स और इनकी तरह स्पेस है वो बिल्कुल सही अलाइन होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो हमने पैनल को सेट किया उसको इसके बराबर ले आएंगे, ठीक है। होपफुली अब ये बिल्कुल ठीक अलाइन हो चुका है हमारे पास। अब मैं इस इमेज के अंदर क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर एक मैं जिफ अलाइन करने लगा हूँ, ठीक है, जिफ इमेज, और मैं पहले सबसे पहले तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ पिक्चर बॉक्स लोड, ठीक है, पीपी लोड या पीपी लोडिंग, सही है, आई थिंक दैट वुड बी गुड, पिक्चर बॉक्स लोडिंग। और इसके अंदर मुझे एक सिंपल सी क्या चाहिए, मुझे एक जिफ इमेज चाहिए, ठीक है, तो मैं गूगल पे आ रहा हूँ, गूगल सबका दोस्त है, लोडिंग जिफ, ठीक है, एक बेसिक सी जिफ सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, नॉर्मल बिल्कुल साफ सी सुथरी सी होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा कोई शशके नहीं होने चाहिए, इस तरह की ये शशके वगैरह नजर आ रहे हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, सो नीचे चलते हैं, आई थिंक ये कैसी रहेगी। अच्छा एक और चीज़ आपने माइंड में लाजमी रखनी है, वो अगर आपको लास्ट टाइम भी याद हो जब मैंने ये कहा था कि जब भी कोई इमेज सेलेक्ट करनी है तो उसकी आपने बैकग्राउंड लाजमी नोट करना है। अब ये इमेज मैंने ये देख रहा हूँ, ठीक है, इसका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो ये जिफ भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है। अगर आप इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमारे पिक्चर में भी शो हो रहा होगा। तो मैं इसको व्यू बाई व्यू इमेज कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये इस वेबसाइट से हम लोग ले तो रहे हैं लेकिन खैर फॉर द टाइम बिंग हम लोग इस पर ही रह जाते हैं। मैंने इसको राइट क्लिक करके सेव कर दिया। अच्छा ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और इसको मैं नाम दे रहा हूँ लोडिंग। ओके, लोडिंग डेस्कटॉप के ऊपर सेव, सेव, दैट्स इट, एंड हम कंटिन्यू करने लगे हैं इसको आगे। सही है, मैंने पेज बंद कर दिया और अब हम वापसी अपने प्रोग्राम में आ रहे हैं। प्रोग्राम में वापसी आने के बाद मैं यहाँ पे पिक्चर 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 बॉक्स पे मैंने राइट क्लिक किया, चूज इमेज, ठीक है, चूज इमेज करने के बाद मैं मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक और चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा जो कि मैंने आई थिंक शायद पहले ख्याल नहीं रखा है, जो 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 इमेज मैं इसके अंदर लेके आने लगा हूँ उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ज़रा सेट करनी है। उसके मैंने फिलहाल तो लोडिंग रख दिया है, इसको क्या करते हैं, लोडिंग राइट क्लिक रीनेम लोडिंग जिफ, ठीक है, और इसका साइज तो नहीं शो हो रहा था तो चलो खैर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, लोडिंग जिप और ओपन। अब ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रही है, मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद एक छोटा सा यहाँ पे इशू आएगा जो कि हम देखते हैं, बताते हैं क्या है। हमने आई थिंक इमेज की जो वो है ना बॉर्डर उसको सेट नहीं रखा, तो वो पूरी इमेज यहाँ पे खराब हो जाएगी। ओके, सो मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जो इसकी साइज मोड है उसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच मोड कर दिया, ठीक है। स्ट्रेच मोड करने के बाद ये देखो इमेज हमारी यहाँ शो हो चुकी है, लेकिन अब एक चीज है, वो जो इमेज है ना ये जिफ में है लेकिन यहाँ पे ये जिफ की फॉर्म में अभी मुझे शो नहीं हो रही, ठीक है, ये देखो ये अभी यहाँ पे शो हो रही है इस तरह से। लेकिन अब जब हमारा फॉर्म लोड हो चुका है ना तो उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाइड भी हो जाए इसके बाद, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये शो ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक कर रहा हूँ
इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको विजिबल को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये यूजर को शो नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज हमें रखनी होगी, अभी आपने देखा कि ये यूजर कंट्रोल के बिल्कुल मिडल में शो हो रही थी, तो मुझे इसका भी एंकर सेट करना पड़ेगा। इसका एंकर किस तरह से, टॉप राइट और लेफ्ट साइड आ देते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये राइट साइड में शो होगी हमारे पास, और जरा आप चीज एक नोट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, मैंने इसको एक्सिक्यूट किया देखने के लिए, ठीक है टीचर। अब हमारे पास इमेज तो गायब हो चुकी है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये फॉर्म इसके अंदर जब डाटा शो हो रहा हो ना, या लोड हो रहा हो, तब वो क्या हो जाए, शो हो जाए, और जैसे ही लोड हो जाए तो उसके बाद हाइड हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा मेथड है, जो हमारी अवेट की कॉल है ना, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पीबी लोडिंग डॉट शो, ठीक है, ये मैं कॉल करा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर बॉक्स डॉट शो हो जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, पीबी लोडिंग डॉट हाइड। अब ये पीवी लोडिंग आपको पता है हमारी इमेज है, ठीक है। तो सिंपल होगा क्या, जब तक ये सर्विस कॉल अवेट की चल रही होगी ना, और जैसे ही ये अवेट की कॉल कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। पहले शो करा रहे हैं, उसके बाद हम हाइड करा रहे हैं, सही है। एक्सिक्यूट कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, सही है। दोबारा टीचर पे मैंने क्लिक किया, अभी आप नोट करें हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, और जैसे ही फॉर्म के अंदर चीजें लोड हो गई, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गई है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। टीचर पे मैंने क्लिक किया, लोडिंग कॉल जा रही है, तो लोडिंग आ रहा है, लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो उसके बाद हमारे पास वो पिक्चर बॉक्स भी हाइड हो चुका है, ठीक है। सो होपफुली आपको इस चीज की भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हम यही तकरीबन कॉन्सेप्ट हर जगह बाकी जगह पे भी हम लोग यूज कर रहे होंगे, ओके। सो अब हम चलते हैं अपने सेशन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि मैंने ये कहा था कि ऑथोराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मेनली हम क्या करेंगे, यूजर्स के जो भी हमारे पास यूजर होगा, वो जो भी हमारे प्रोग्राम को यूज करेगा, उसके लिए अकाउंट्स, ठीक है, और यूजर रोल्स एटसेट्रा वगैरह, ये सारी चीजें भी हमें ख्याल रखनी है। तो इसका बेसिक चीज हम क्या करेंगे, अभी तक अगर हम अपने एंटिटीज को नोट करें, तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि यूजर को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो इसके लिए बेसिक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें एक एंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं सारे वही कॉन्सेप्ट दोबारा से लेके चल रहा हूँ, एंटिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको डेटाबेस, और डेटाबेस की माइग्रेशन, और माइग्रेशन और डेटाबेस, और ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन आज के काम में डिफरेंट ये होगा कि आज हम फॉर्म बनाएंगे इसका, ठीक है। तो मैं एक क्लास बनाने लगा, और इसको आप नोट करो, ये मैं खुद से बना रहा हूँ, ये मैं स्कीमा के बगैर बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लास सेलेक्ट किया, और यूजर नाम दे रहा हूँ इसको, नॉर्मल यूजर है, ठीक है। अब इसके चीजें इसको देखते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसको मुझे पहले पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक बनाने के बाद मैं इसको नंटियस एंटिटी से, और नंटियस बोल रहा हूँ, सोरोज एंटिटी से मुझे इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। सोरोज एंटिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें, हमारे पास इसके अंदर उसकी आईडी थी, और उसका रीनेम, उसका नेम था, ठीक है। तो मैं इसके अगर पीक डेफिनेशन करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे उसकी आईडी जो हमें चाहिए, ठीक है, और उसके अन्य, अच्छा ओके, सो यहाँ पे नेम नहीं है, तो हमें नेम की फील्ड खुद से ऐड करनी होगी, ठीक है, ओके। सो क्लोज करते हैं, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। आईडी इसके ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग, और उसके बाद नेम, पहली चीज हमें उसकी नेम चाहिए, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मुझे जो चाहिए वो उसकी चाहिए ईमेल, ठीक है। उसको भी मैं काम ये कर रहा हूँ कि सिंपल स्ट्रिंग में ही ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी पासवर्ड की, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ। अब तीनों को मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग रखा है, ठीक है, ओके। सो बेसिकली अभी तक की तो हमारे पास ये तीन फील्ड्स हैं। इसके अलावा भी हम लोग इसमें कोशिश ये करेंगे कि बाद में और चीजें, लाइक लेट सपोज यूजर नेम हो गया, ठीक है, या इस तरह की चीजें, वो भी हम लोग लेके आ सकते हैं, या एक काम करते हैं। चलो फॉर द टाइम बिंग मैं यूजर नेम को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये यूजर नेम मैं आप में से किसी एक को टास्क दूंगा ताकि वो इसको कंप्लीट करे, ओके। सो मैंने एक सिंपल सी एंटिटी बना ली है, और मैं इसके ऊपर ऑथराइजेशन वगैरह बेसिक यूज करूंगा, ठीक है, इसकी सेफ। और अब हम जा रहे हैं अपने पास, जाहिर सी बात है मैंने एंटिटी अपडेट किया, अब और मुझे इस एंटिटी को अपने पास जो डीवी कॉन्टेक्ट है उसको भी बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक नई एंटिटी आ चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोड में जा रहा हूँ, ठीक है। कोड के अंदर मेरे पास सोरोस कॉन्टेक्ट है, सोरोस कॉन्टेक्ट के अंदर जाके मैं एक नई डाटा सेट बना रहा हूँ, ठीक है। एक काम बोलते हैं, कोई कॉपी करते हैं, और इसको नाम देते हैं यूजर, ओके, यूजर, और ये क्या होगा, यूजर्स, ठीक है। और ये मैंने एक लिस्ट डीबी सेट यहाँ बना दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल माइग्रेशन अप्लाई करूंगा दोबारा से, और ये माइग्रेशन क्या करेगी, यूजर्स का टेबल भी बना दी है अपने पास। सो सिंपल क्या करते हैं, डाटा इसके ऊपर जाते हैं, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, ठीक है, यहाँ से नहीं जाना हमें, टूल्स में जाना है। टूल्स के अंदर हमें जाके न्यूगेट पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर कॉन्सोल, ठीक है, पैकेज मैनेजर कॉन्सोल के अंदर हमें माइग्रेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये रीलोड हो रहा है, तब तक इनिशियलाइजिंग पावर शेल होस्ट, इट टेक्स सम टाइम्स, ओके। आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सही है।
ओके पीएम सही। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनेबल माइग्रेशन हमारी ऑलरेडी हुई है, ऐड माइग्रेशन, एक माइग्रेशन हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड माइग्रेशन, और इसको एडिट यूजर, ठीक है, मैंने एक यूजर ऐड किया तो मैं यहाँ पे इसलिए यूजर दे रहा हूँ, एडिट यूजर एंटिटी, ओके एडिट यूजर एंटिटी इंटर, सही है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे पास यूजर से रिलेटेड जो काम होगा उसकी माइग्रेशन फाइल बना देगा हमारे पास, उसके बाद हम लोग अपडेट डेटाबेस की कमांड रन करते हैं, ठीक है, ओके। सो विन फॉर्म के ऊपर ये देखो मैंने मिस्टेक क्या कर दी, जो कि मैंने आप लोगों को इधर बताया था, मैंने खुद वही मिस्टेक कर दी, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, सोर्स डॉट डेटा, और बाय डिफॉल्ट वैसे तो मुझे इसको करना चाहिए स्टार्टअप, लेकिन आई थिंक उसके बगैर भी हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर चेंज कर दिया, उसका मैं वही कमांड दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, एड माइग्रेशन, एडिट यूजर एंटिटी, ओके, सो इट शुड वर्क नाउ, ओके, सो स्कैफोल्डिंग माइग्रेशन, एडिट यूजर एंटिटी, सो हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, यूजर का टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसमें आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन की फील्ड हमारे पास आ रही है, ठीक है, और ड्रॉप टेबल हमारे पास डाउन के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अपडेट डेटाबेस की कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, अपडेट डेटाबेस, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर भी यूजर्स का टेबल बन जाएगा, ओके, सो स्पेसिफाई द वर्बोज फ्लैग टू यू, ओके, अप्लाइंग एक्सप्लिसिट माइग्रेशन, हमारी माइग्रेशन अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो क्या होगा, अब हम डेटाबेस की तरफ से तो हमारी काम हो चुका है, ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ऑथराइजेशन के लिए हम लोग जाहिर सी बात है कोई कंट्रोल नहीं ऐड करेंगे, इसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्म्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें डैशबोर्ड के फॉर्म के अंदर नहीं शो कराना, ये बल्कि हमें प्रोग्राम के स्टार्टअप पे दिखाना है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब हमारे पास दो पार्ट्स है, एक है हमारे पास यूजर की रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, और एक है यूजर के लॉगिन का, तो एक मैं ये करूंगा इस सेशन के अंदर मैं यूजर की रजिस्ट्रेशन का वो स्टेप दिखाता हूँ, और जो यूजर की लॉगिन का काम होगा तकरीबन सिमिलर ही होगा 90% तक रजिस्ट्रेशन वाली सिस्टम से, तो वो मैं आप में से किसी एक को टास्क दूंगा, ठीक है, तो अब हम ये क्या करने लगे, फॉर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है, मैं एक नया फॉर्म ऐड कर रहा हूँ, रिमेम्बर, ठीक है, नॉट अ कंट्रोल, सो राइट क्लिक, ऐड फॉर्म, एड न्यू आइटम, ठीक है, और इसमें आके हम लोग यहाँ पे विंडोज फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको मैं क्या नाम देने लगा हूँ, इसको नाम देने लगा हूँ रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस सेक्शन के अंदर इस सेशन में रजिस्टर का काम करने लगा हूँ, तो मैं इसको नाम देता हूँ, वैसे तो हमने एक काम करते हैं इसको रजिस्टर्ड फॉर्म के नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कंट्रोल्स के अंदर क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्रिएट टीचर कंट्रोल क्रिएट इस तरह से, तो मैं इसको भी रजिस्टर्ड फॉर्म का नाम दे रहा हूँ, इसमें फॉर्म का कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एड। तो हमारे पास फॉर्म्स के फोल्डर के अंदर एक रजिस्टर फॉर्म का मैं ये फोल्डर फॉर्म आ चुका है, बेसिक स्टाइलिंग इसकी थोड़ी देर के अंदर करते हैं, अभी हम इसके ऊपर आते हैं, लेबल्स वगैरह इसके ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है, अच्छा लेबल्स के ऊपर भी हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग कॉर्बेल यूज करते आ रहे हैं पिछले से, तो हम इसके अंदर भी कॉर्बेल ही यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के ऊपर जाके इसकी जो ऑटो स्केल मोड है उसको नन करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम इसके फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट हम इसके ऊपर रखेंगे कॉर्बेल, और कॉर्बेल के अंदर भी डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी है कॉर्बेल, ओके देयर देयर इट इज कॉर्बेल, और रेगुलर, ठीक है, और रेगुलर के अंदर हम 14 पिक्सल का यूज कर रहे हैं इसको, ओके सो दैट्स इट, और मैं सिंपल इसकी एक कॉपी और बना देता हूँ, ठीक है, पहला लेबल हमारे पास क्या होगा, अब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के अंदर जाहिर सी बात है हमें यूजर की सारी चीजें चाहिए होंगी, ठीक है, उससे हम लोग उसका नेम भी पूछेंगे, उससे हम उसका ईमेल भी पूछेंगे और उसका पासवर्ड भी पूछेंगे, ठीक है, नेम सेकंड हमारे पास होगा उसका ईमेल, ठीक है, और भी हमारे पास काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा टाइम इन चीजों को सेशन की वजह से थोड़ा कम रख रहा हूँ, ठीक है, और थर्ड हमारे पास है पासवर्ड, ओके, तो पासवर्ड की फील्ड हमारे पास एक अलग से होगी, ओके, सो अब ये तो हमारे पास लेबल्स आ गए, इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स अलग से यूज करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ओके, सो वेयर इट इज टेक्स्ट बॉक्स हियर, और सिंपल इसको ये पहला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं txt name, ओके दैट्स इट txt name, ओके सेकंड हमारे पास txt email है, सही है, इनके अलाइनमेंट थोड़ी देर में करते हैं, पहले इनके ऊपर हम लोग ये काम भी कर रहे हैं, जो फील्ड्स हैं उन सबके ऊपर सारी फील्ड्स असाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक और थर्ड फील्ड हमें चाहिए पासवर्ड के लिए, सही है, तो सेकंड फील्ड है हमारे पास ईमेल की, तो मैं इसके ऊपर नाम लिख रहा हूँ txt email, ओके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ये जल्दी हो जाए क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होगा, मेन चीज इसका पीछे कोड है, ठीक है, क्योंकि ये ऑथराइजेशन का कोड थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसलिए इसको खुद करना चाह रहा हूँ, txt पासवर्ड, ओके तो ये तीन हमारे पास फील्ड है, ओके अब ये हमने टेक्स्ट बॉक्स की अलाइनमेंट आई थिंक कर लिया, मैं जरा इसको ऊपर
ऊपर के टेक्स्ट बॉक्स के साथ अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे के टेक्स्ट बॉक्स को भी अलाइन कर रहा हूँ। अब हमारे टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं दूसरे से। अब हम लेबल इसके लिहाज से करते हैं, और लेबल के अंदर भी अब ये देखो सबसे बड़ा लेबल पासवर्ड का, तो मैं पासवर्ड को पहले उठा रहा हूँ, ठीक है, और इसको अलाइन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इस तरह से अलाइन कर दिया। इसकी अलाइनमेंट के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल को नीचे के लेबल के साथ और सामने के जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी अलाइन हो चुका है। उसका नेम भी नीचे के लेबल और सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स के लेबल के साथ अलाइनमेंट होगी, और दैट्स इट, सही है। अब मैं इसको क्या करूँ, बस सिंपल फॉर द टाइमिंग बीच में लेके आ रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा लगे। एक और लेबल हमें लाजमी चाहिए होगा, जो कि हम यूजर को बताएं कि भाई ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो मैंने सिंपल एक लेबल कॉपी करके रजिस्टर्ड, ठीक है। बाकी इसकी कलरिंग हम लोग इंशाल्लाह अभी वो भी जरूर करेंगे, हो सकता है सेशन के अंदर कर लें या मैं फिर बाद में सेशन के बाद कर लूँ। थोड़ा सा मैं इसको हेडिंग्स देने के लिए इसको बोल्ड रख लेता हूँ, ठीक है, बोल्ड, और इसको 18 साइज असाइन कर दिया, 20 वुड बी बेटर। ओके, सो ये मैंने इसको 20 असाइन कर दिया, और बाकी सारी चीज़ आई थिंक दैट लुक गुड। ओके, और फॉर्म का साइज आई थिंक ये रहना चाहिए गुड। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब अभी तक अगर हम अपना कोड देखें, हमारा फॉर्म तो रेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर एक बटन भी तो होना चाहिए, ठीक है, और बटन के लिए आई थिंक हमारे पास, हम उसको मिडल में भी अलाइन कर सकते हैं, हम लोग उसको सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा साइड पे लगता है, ठीक है, तो मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ रजिस्टर्ड। ओके, ठीक है, रजिस्टर्ड। ओके, हम इस बटन को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कुछ बटन पिछले कंट्रोल्स के ऊपर ऐड है, हम लोग उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसकी जाहिर सी बात है स्पेलिंग तो बाद में करनी ही है। तो स्कूल कंट्रोल पे आते हैं, यहाँ से इस बटन को कॉपी करते हैं, जो चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है ना उसको लाजमी यूज़ करूँ, ठीक है, ताकि आपको स्टाइलिंग वगैरह बार बार ना करनी पड़े। तो मैंने यही यहाँ पे उठा के यहाँ ले आया, बस सिर्फ इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है ये चेंज कर रहा हूँ मैं, रजिस्टर्ड, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, BTN रजिस्टर्ड, सही है, BTN सेव के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ BTN रजिस्टर्ड। ओके, दैट्स इट, एंड थोड़ा सा फॉर्म को अपने बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अभी ओके, सो अभी तक अगर हम काम देखें तो हमारा काम तकरीबन, हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है, लेकिन एक चीज अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जब मैं अपने फॉर्म को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ Ctrl F5, तो मुझे रजिस्टर का फॉर्म नहीं शो हो रहा, बल्कि मुझे डायरेक्टली डैशबोर्ड का फॉर्म शो हो रहा है, ठीक है, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे रजिस्टर का फॉर्म शो, तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन एक्सप्लोर में आप आएंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर हमारे पास प्रोग्राम की एक क्लास होती है, प्रोग्राम की क्लास के अंदर आप जाएँ, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रन की जो लाइन होती है, इसके अंदर हमने अपने फॉर्म का नाम लिखा होता है, जो हम फॉर्म सबसे पहले चाह रहे हैं, ठीक है, थीके? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारे प्रोग्राम का। तो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डैशबोर्ड है, मैं इसको काम कर रहा हूँ रजिस्टर फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, रजिस्टर फॉर्म। सो अब ये क्या करेगा, अब मुझे अपना मेरा रजिस्टर फॉर्म का जो फॉर्म होगा वो शो करेगा पहले। तो ये हमारे पास रजिस्टर का फॉर्म शो हो चुका है, अब जाहिर सी बात हमने इसके पीछे भी काम नहीं किया हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा, अब हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो चलते हैं हम काम की तरफ इसके, ठीक है। अब से आते हैं रजिस्टर फॉर्म के ऊपर, ठीक है, और ये जो टेक्स्ट चेंज का है इसको हटाते हैं ये, ओके, टेक्स्ट नेम इसको रिमूव करते हैं, फजूल के इवेंट्स हमने नहीं रखे हैं, फिर पास प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में इवेंट्स, टेक्स्ट चेंज के इवेंट को रिमूव करते हैं यहाँ से, ओके, दैट्स इट। और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास ये मेरा फॉर्म के बटन के, ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक हो, तो मैं तब चाह रहा हूँ कि यूजर की ये डिटेल है ये ले और डेटाबेस के अंदर रजिस्टर करा ले, ठीक है, रजिस्टर। ओके, सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूजर की एंटिटी बना रहे हैं, ठीक है, और यूजर की एंटिटी अब हमारे पास जाहिर सी बात है इस फॉर्म के अंदर हमने डायरेक्टली कभी पहले इसको कॉल नहीं कराया, तो ये इसको शो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको डिजॉल्व करते हैं, यूजर यूजिंग सोरोस डॉट एंटिटीज, ठीक है, ओके, दैट्स इट, यूजर हमारे पास बन रहा है, ठीक है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ न्यू यूजर, न्यू यूजर का ऑब्जेक्ट एक बना रहे हैं इक्वल्स टू न्यू यूजर, ओके, और मैं अब इस यूजर को मैं इसको चीजें अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज इसका है नेम, ठीक है, तो नेम क्या होगा इसका, नेम इक्वल्स txt नेम डॉट टेक्स्ट, ओके। सेकंड चीज मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेकंड चीज हमारे पास थी इसकी ईमेल, ठीक है, ईमेल इक्वल्स टू txt ईमेल डॉट टेक्स्ट, ओके, एंड थर्ड चीज हमारे पास थी इसका पासवर्ड, ओके, सो वो हमारे पास आएगा txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ओके, दैट्स इट। अब हमारा यूजर तो बन चुका है, यूजर का ऑब्जेक्ट बन चुका है, मुझे इस यूजर के ऑब्जेक्ट को मुझे रजिस्टर कराना है, ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा बाकी फील्ड देने की जरूरत नहीं है ना हमें, आईडी आईडी ऑटो जनरेटेड ठीक है, क्रिएटेड ऑन एंड मॉडिफाइड ऑन वो ऑटोमेटिकली फिलहाल हमने नलेबल रखी हुई है ठीक है, तो हम उनको बाद में देंगे। अच्छा अभी आगे चलते हैं, ये यूजर के ऑब्जेक्ट को हम लोग जिस तरह से हमने दूसरी सर्विस बनाई है इस तरह से हमें इसकी भी सर्विस एक बनानी पड़ेगी ठीक है। तो मैं वापसी आ रहा हूँ सर्विस लेयर के अंदर, सर्विस लेयर के अंदर एक मेरे को सर्विस बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक सर्विस मौजूद नहीं है जो यूजर के कोरिस्पॉन्ड करे। तो मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ यूजर यूजर्स सर्विस। ओके लेट्स इट एड, लेट्स एड इट। और जाहिर सी बात है हमें इसको भी एक सिंगलटन असाइन करना पड़ेगा, लेकिन सिंगलटन से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बना रहा हूँ ताकि पहले का काम हो जाए उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको बूलियन रख रहा हूँ ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसको भी हम लोग टास्क की तरह परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल मेथड बनाना चाह रहा हूँ रजिस्टर न्यू यूजर। ओके मैंने ये किया, और ये पैरामीटर में क्या लेगा, ये एक यूजर एंटिटी लेगा ठीक है, यूजर, इसको हम नाम पैरामीटर में देते हैं यूजर, और इसको इसकी भी यहाँ पे भी रिजॉल्व करते हैं यूजिंग सोरोज ऑफ एंटिटीज, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा रिटर्न डीबी। ओके डेटाबेस, डेटाबेस भी हमारे पास वो नहीं है तो हम डेटाबेस डॉट इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं हमारे पास ठीक है। राइट क्लिक शो फॉर क्विक आंसर रिफैक्टरिंग यूजिंग सोरोज ऑन डाटा डेटाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट, अब हमारे पास इसका मेथड नहीं है यूजर को रजिस्टर करने का, तो मैं यहीं से डायरेक्टली फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद भी हम काम करते हैं ठीक है। और इसको मैं पैरामीटर में ये पास कर दूंगा यूजर। ओके आई मैस्ट इट, ओके दैट्स इट यूजर। और अब मेरे पास ये मेथड वहाँ पे नहीं है तो मुझे जाहिर सी बात है इस मेथड को बनाना पड़ेगा, तो मैं डेटाबेस की क्लास में जा रहा हूँ गो टू डेफिनेशन ठीक है। और इसके अंदर जिस तरह हमारे पास बाकी सारे मेथड बने हुए हैं तो मैं यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ जिस तरह ये टीचर वाला है, मैं इस तरह से काम करता हूँ इसी को कॉपी करता हूँ ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तकरीबन रीड एड एडिट वाले होते हैं तकरीबन सेम होते हैं। तो इसके लिए हम हो सकते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम इसके लिए रिपोजिटरी पैटर्न यूज करेंगे, रिपोजिटरी पैटर्न से हमारे ये जो बार बार चीजें यूज हो रही है ना ये हम एक ही मेथड के अंदर कर लेंगे ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, वो हमारे इस सेशन के अंदर कवर नहीं हो सकेगा, तो मैं यहीं पे वो रजिस्टर मेथड का कॉल करा रहा हूँ। और ये क्या यूजर, ये लेगा यूजर ठीक है, और इसको मिलेगा यूजर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डीबी डॉट यूजर्स डॉट एड ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कुछ चीजें जो कि नोटिस करने वाली है, लेकिन मैं अभी फिलहाल आगे चल रहा हूँ सही है। अभी तक का काम हमारा तकरीबन हो चुका है, ये सक्सेसफुली एक यूजर को पैरामीटर में लेगा और उसको पैरामीटर के थ्रू डेटाबेस में ऐड करेगा, डेटाबेस में अगर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आगे रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स ठीक है। अच्छा वापसी आते हैं रजिस्टर के फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल कराने लगे हैं। अच्छा मुझे इसको सिंगल टन भी बनाना पड़ेगा, यूजर यूजर सर्विस है तो इसको सिंगल टन बना लेते हैं, काम करते हैं ऊपर से सिंगल टन को कॉपी करते हैं, यूजर सर्विस को सिंगल टन बनाना पड़ेगा। जो शुरू शुरू में जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना तो आपको ये बार बार लग रहा होगा मैं बार बार सिंगल टन बना रहा हूँ, बार बार ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो लेकिन जैसे जैसे भी ये जाहिर सी बात है शुरू शुरू में ये क्लासेस नहीं बनी हुई तो हमें ये बार बार सिंगल टर्न बनाना पड़ रहा है सब क्लासेस को जो हम बना रहे हैं, लेकिन बाद में क्लासेस ऑलरेडी तकरीबन बनी होंगी, अगर हमें यूजर से रिलेटेड कोई काम होगा तो यूजर सर्विस के अंदर काम करेंगे तो वो दोबारा सिंगल टर्न अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। अच्छा सिंगल टर्न तो हमने इसको बना लिया, वापस आते हैं रजिस्टर फॉर्म के ऊपर ठीक है। रजिस्टर फॉर्म में यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे अभी तक हम लोग किस तरह से करते आए हैं, अगर हम अपने याद करें अपने डैशबोर्ड फॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करते थे, एफी कंडीशन लगाते थे ठीक है, और एफी कंडीशन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते थे यूजर यूजर सर्विस ठीक है, यूजर्स सर्विस ठीक है। अब इसको भी हमें कॉल कराना पड़ेगा शो फॉर ट्रैक सफिक्सेस यूजिंग सोरोज डॉट सर्विसेज डॉट इंस्टेंस डॉट रजिस्टर न्यू यूजर ठीक है। और इसको मैं ये क्या सिंपल पास करूंगा, ये जो न्यू यूजर का ऑब्जेक्ट है ना ये इसको मैं पास कर रहा हूँ ठीक है। और अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो मैं उसको मैसेज दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसको क्या कर रहा था एक और मैसेज दिखा रहा था कि भाई यूजर नॉट रजिस्टर एक्सेट्रा वगैरह ठीक है। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ एन एरर अकर्ड वाइल रजिस्टरिंग द यूजर, ओके प्लीज ट्राई अगेन, ओके दैट्स इट। और अगर वो पास रजिस्टर यूजर हो चुका है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मुझे सिंपल एक चीज ये करनी पड़ेगी कि जो मेरा डैशबोर्ड का फॉर्म है ना वो
वो आ जाए, ठीक है, वो शो हो जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ठीक है इक्वल्स न्यू डैशबोर्ड, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ डैशबोर्ड डॉट शो, ओके फॉर द टाइम भी मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा अभी तक का जरा देखते हैं अभी तक का क्या काम हुआ है और ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर कवर करनी है मुझे, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कंट्रोल F5, ठीक है। मैंने डिबगिंग नहीं की, मैं डायरेक्टली रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है, डिबगिंग के थ्रू, विदाउट डिबगिंग। और मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट यूजर जो मैं क्रिएट करने लगा हूँ, इसको मैं नाम देने लगा हूँ संचार, ठीक है, ईमेल संचार एट gmail.com, ठीक है, एंड पासवर्ड 123, ओके रजिस्टर, ओके। अब ये देखो, अब ये हमारे एक तरह से क्या हो चुका है, ये जो हमारा फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा वो हो गया, हैंग हो चुका है। तो इसके ऊपर भी हमें क्या चीज़ें, ये चीज़ माइंड में रखनी होगी कि हम काम करें। अच्छा अब ये देखो, यूजर रजिस्टर हो गया, तो इसके बाद हमारे पास ये डैशबोर्ड का फॉर्म शो हो चुका है। तो एक तरह से एक चीज़ तो सक्सेसफुल होगी कि यूजर रजिस्टर हो रहा है। अब हम इसको वेरीफाई भी पहले कर लेते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ नोट करते हैं। यहाँ पे देखो, हमारे पास अगर हम नीचे आए टास्क बार में, तो हमारे पास यहाँ पे एक की बजाय दो टास्क शो हो रहे हैं, दो प्रोग्राम। तो वो हुआ क्या है, हमारा जो पुराना फॉर्म है ना, वो भी अभी तक करंटली यहीं पे रजिस्टर फॉर्म, तो मुझे इसको हाइड करना है, ठीक है, इस वाले फॉर्म को हाइड करना है, ओके। एंड बाकी उसके बाद हम लोग जो डैशबोर्ड का फॉर्म है वो शो कराएंगे, ठीक है, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं, मैंने उसको बंद कर दिया है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि नोट करनी है। क्या क्या चीज़ें नोट करनी है वो क्या है, पहले बात करते हैं होता क्या है। जब यूजर अपना ईमेल लिखता है, ठीक है, ये जो ईमेल दे रहा है वो अपनी, तो एक चीज है वो मैं काम करता हूँ, मैं आपको टास्क में देता हूँ, वो क्या है। पहली चीज तो ये कि आपने ना, जब यूजर अपनी ईमेल लिखे ना इस फॉर्म के अंदर, मैंने लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, तो जब मैं इसको सबमिट करूँ ना, तो वो इसको वेरीफाई करे कि ये ईमेल है कि नहीं। अगर ये ईमेल का फॉर्मेट वैलिड है तो उसको कंटिन्यू करने दे, अदरवाइज उसको यहीं पे बता दे कि भाई ये ईमेल वैलिड नहीं है, आप दूसरी ईमेल, कोई वैलिड ईमेल यूज करो, ओके। एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि ये जो पासवर्ड वाली फील्ड है ना, ये भी हमारे डायरेक्टली पासवर्ड शो हो रहा है, हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पासवर्ड हाइडिंग का तो बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रजिस्टर फॉर्म पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया मैंने पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास एक चीज होती है, यूज सिस्टम पासवर्ड करेक्टर, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मैं इसको अगर ट्रू कर दूंगा तो ये मेरे पास पासवर्ड की तरह फील्ड शो होगी, मतलब पासवर्ड की तरह हिडन फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये एक टास्क तो आप लोग नोट कर लें, ये मैं आप में से किसी एक को दूंगा, ये जब ईमेल के ऊपर मैं, ईमेल अगर वैलिड ना हो तो ईमेल के ऊपर आ जाए कि भाई ये ईमेल वैलिड नहीं है, ठीक है। अब पासवर्ड का तो हमने काम कर लिया, जो भी मैं पासवर्ड लिखूंगा वो इस तरह से शो होगा, ठीक है, ये तो बहुत ईजी था। अच्छा एक टास्क ये था कि ईमेल वैलिडिटी, ठीक है, मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ, ईमेल वैलिडिटी, ठीक है, ईमेल फॉर्मेट वैलिडिटी, ये एक टास्क होगा आप में से किसी एक का। सेकंड टास्क क्या है, सेकंड टास्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, मैंने अभी इससे पहले क्या, कौन सी ईमेल यूज की थी, sajjad@gmail.com, जो मैंने पहला यूजर रजिस्टर किया है। और अब मैं अगर यहाँ पे लेट सपोज मैं जिया का दूँ, ठीक है, और जिया नया यूजर रजिस्टर कर रहा हूँ, और नए यूजर के केस में मैं यहाँ पे ईमेल में क्या दे रहा हूँ, sajjad@gmail.com। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए कि अगर ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे डेटाबेस में, तो हमें यहीं पे एरर शो हो जाए कि ये ईमेल ऑलरेडी इज यूज बाय सम अदर यूजर, प्लीज ट्राई अनदर ईमेल और लॉग इन टू योर अकाउंट, ओके, तो समथिंग लाइक दिस। सो ये भी एक हमारा एक छोटा सा एक टास्क जो हमें काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। इफ ईमेल इज ऑलरेडी यूज, शो हिम एन एरर एटसेट्रा, ठीक है, जो भी है। तो अब ये सारे सिनेरियोज आप देख रहे हैं, ये एक छोटे से फॉर्म के ऊपर हमारे पास सिनेरियोज आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी देख लें। हाँ, इसके अलावा जाहिर सी बात है, जैसे भी ज़िया ने कहा भी कि जब हम डाटा बेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी हमें थ्रेडिंग लगानी पड़ेगी कि जब मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डाटा बेस के ऊपर जब जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कोई एक लोडिंग, मुझे पता भी चले कि जो चीज़ है वो पीछे कुछ कॉल जा रही है या अभी कुछ लोड हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, ठीक है। और अगर सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो मुझे मेरे सामने नया फॉर्म आ जाए, ठीक है, और ये वाला हाइड हो जाए। और इसके अलावा अगर नहीं होता सक्सेसफुली तो मेरे पास एरर आ जाए कि क्या एरर आया है, क्या इशू आया है, ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ शो हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे है, वो क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये जो फील्ड्स है ना, ये
इनके ऊपर वो नहीं लगी हुई, रिक्वायरमेंट्स नहीं लगी हुई। नॉर्मली अगर हम देखें हमारे पास जो नेम है ना, हम हर यूजर का नेम भी लेंगे, हम हर यूजर की ईमेल भी लेंगे, हम हर यूजर का पासवर्ड भी लेंगे, लेकिन अभी तक हमने कोड के अंदर कुछ इस तरह का काम नहीं किया है कि जब हम रजिस्टर पर क्लिक कर रहे हैं, हमने बस सिंपल यूजर लिया, उसको उसकी फील्ड असाइन की, फील्ड असाइन करने के बाद डायरेक्टली रजिस्टर कराने के लिए भेज दिया, ठीक है, न्यू यूजर। तो हमने कोई उसके पर कंडीशन नहीं लगाई कि यूजर का नेम है या यूजर को किसी ने नेम असाइन किया है या नहीं, ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं ये सोचता था कि मैं इसको इस सेशन में ही कवर कर लूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ये एज अ टास्क मैं आप में से किसी एक को असाइन करूँ, ठीक है, ताकि आपका भी थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ बैठे। अगर आप में से किसी जिसको मैं टास्क असाइन करूँगा, अगर उससे नहीं हो रहा तो मैं इसको कोशिश करूंगा फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको मैं खुद आप लोगों करके दिखाऊँ कि क्या चीज़ हमने इसको किस तरह रिजॉल्व किया है, ठीक है। तो हम बेसिक बेसिक फील्ड्स रिक्वायरमेंट्स का भी हमारे पास टास्क होना चाहिए, बेसिक फील्ड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये टास्क होगा। ओके, अब हम मेन चीज जो अभी आज के सेशन के अंदर, फर्स्ट सेशन के अंदर हमने चीज डिस्कस की है वो ये थी थ्रेडिंग, ठीक है। तो हम काम करें इसके ऊपर भी, हम लोग थ्रेडिंग लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रजिस्टर न्यू यूजर, ठीक है। अब ये वो केस है जहाँ पे डेटाबेस के अंदर कॉल जा रही है, और वो कहाँ पे हो रही है, इसकी सर्विस के अंदर, ठीक है, गो टू डेफिनेशन। और अब मैं यहाँ पे भी वही काम करने लगा हूँ, क्या किया था हमने, टास्क, ठीक है, टास्क डॉट फैक्ट्री डॉट स्टार्ट न्यू, ठीक है, ये सिंटेक्स है, ये आपको जाहिर सी बात है इसको देखना ही पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, फिर हमने इस तरह से इसको बताना है कि कौन सा टास्क है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसकी ब्रैकेट से बताते हैं कि भाई टास्क एक्चुअली है क्या, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिटर्न कर रहे हैं रजिस्टर यूजर, वो हम टास्क को बताएंगे, ये आपने टास्क परफॉर्म करना है, और अब हम ये रिटर्न कराएंगे ये टास्क, ओके। और अब हमें ये जो इसकी टाइप है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ये यही है कि भाई ये टास्क रिटर्न कर रहे हैं, और आप अभी जो मेथड की टाइप है वो बूल है, तो ये बूल के बजाय टास्क ऑफ बूल रिटर्न करेगा, ठीक है, टास्क ऑफ बूल, दैट्स इट। और इसको रजिस्टर फॉर्म के ऊपर जाते हैं, रजिस्टर फॉर्म के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एरर आना चाहिए इसका, ठीक है, ओके। सो ये एरर आ चुका है, अब हम इसके ऊपर, जाहिर सी बात है ये थोड़ा टाइम लेगा, टास्क है, तो टास्क के लिए हम क्या करते हैं, अवेट यूज करते हैं। अवेट जब यूज करेंगे तो अवेट का कीवर्ड सिर्फ उसी मेथड में यूज हो सकते हैं जो एसिंक हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसिंक इसको बना देंगे। तो ये बेसिक थ्रेडिंग हमारी दोबारा से हमने रजिस्टर वाले सिनेरियो में भी अप्लाई कर दी है। अब बस इसमें एक चीज मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है वो देखते हैं। वो ये मिसिंग है कि जब यूजर रजिस्टर हो रहा है तो हमारे पास तब भी एक छोटी सी स्क्रीन, यहाँ पे कुछ लोडिंग वोडिंग आए कि यार कुछ कुछ डेटाबेस को क्यूरी गई है या नहीं गई, यूजर के पास कुछ रिस्पॉन्स हर वक्त आना चाहिए, ठीक है। ये एक ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यूजर को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, उसके जब वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे तो उसको कुछ रिस्पॉन्स लाजमी मिलना चाहिए, सही है। तो मैं सिंपल क्या करने लगा हूँ, मेरे पास हमने जो क्रिएट टीचर के कंट्रोल के अंदर हमने ये जो इमेज ऐड की थी, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और अब से आता हूँ रजिस्टर फॉर्म पे, ठीक है, रजिस्टर फॉर्म, इनको बाकियों को बंद करते हैं, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म पे आया मैं, और आई थिंक इस जगह पे हम अगर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है, अपनी इमेज को, मैंने यहाँ इमेज पेस्ट कर दी, अब ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अब एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो इसका साइज है ना वो स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल 50 by 50, ओके। सो दैट्स इट, आई थिंक इट लुक्स गुड। और अब मैं यही क्या काम क्या करने लगा हूँ, अपनी सर्विस कॉल, ये जो हमारी जो सिंक कॉल है, इससे पहले ये जो थ्रेडिंग की कॉल है उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पीबी लोडिंग डॉट शो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो हाइट है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की हुई है। और उसके बाद क्या, अगर जब हो जाए तो उसके बाद पीबी लोडिंग डॉट, या एक काम करते हैं उसको इससे बाहर कर देते हैं, क्योंकि जब ये पूरा हो जाए ना तो उसके बाद, ठीक है, पीबी लोडिंग डॉट हाइट, ओके, दैट्स इट। और एक और चीज जो हमने नोटिस ये की थी कि जब ये सक्सेसफुल हो जाए ना, तो सक्सेसफुल के बाद हमें एक चीज और ये करनी होगी कि जो करंटली फॉर्म ऑलरेडी ओपन है ना, जो रजिस्टर का फॉर्म है, उसको हमें हाइड करना होगा, ठीक है, रजिस्टर या दिस डॉट हाइड, ठीक है, हमारे पास एक ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है दिस डॉट हाइड। अब यहाँ पे दिस किसको रेफर कर रहा है, ये हमारे पास जो ये करंट फॉर्म है ना उसको, अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपके पास आएगा कि क्लास सोरोस डॉट विंडोज फॉर्म विन फॉर्म, जो हमारा प्रोजेक्ट है, विन फॉर्म डॉट फॉर्म डॉट रजिस्टर फॉर्म। सो ये हमारे इस करंट फॉर्म को रेफर कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हाइड कर रहे हैं, ओके। सो आई थिंक दिस मच इज गुड, लेट्स ट्राई इट आउट, ओके, कंट्रोल F5,
ओके और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं जब यहाँ पे चीजें असाइन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे देते हैं तकवीम, ओके, और यहाँ पे तकवीम @gmail.com एंड देन हम लोग पासवर्ड 123। और अब हम जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमने एक चीज हमने ये नोट कर ली कि ये पासवर्ड सही फॉर्म में शो हो रहा है, पासवर्ड की फील्ड है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ हमारे पास लोडिंग स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है, लोडिंग वाली इमेज रजिस्टर हमारे पास यहाँ पे बड़ी प्यारी सी ये लोडिंग स्क्रीन आ रही है, ठीक है। और जैसे यूजर रजिस्टर हो जाएगा ये फॉर्म हाइड हो जाना चाहिए और ये फॉर्म शो हो जाना चाहिए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास एक ही फॉर्म है यहाँ पे, ओके, दैट दैट लुक्स समथिंग गुड, लेट्स क्लोज इट। सो आई थिंक अभी तक का टास्क हमने हमें समझ आ चुका होगा, आज आज के सेशन में हमने क्या चीजें कवर की है, बेसिक ऑथराइजेशन हमने कवर की है, ठीक है। अभी लॉगिन वाला जो सिनेरियो है वो भी तकरीबन इससे मैचिंग मैचिंग ही है, लेकिन उसमें हम लोग न्यू यूजर नहीं लेंगे, उसमें हम लोग जो यूजर की ईमेल और पासवर्ड हमें असाइन जो हमें मिला है उसको हम वेरीफाई करेंगे डाटाबेस के अगेंस्ट। तो अभी तक आपने वैसे मैचिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा इस सेशन के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप में से कोई एक ट्राई करें, ठीक है। जो ट्राई करेगा अच्छे कोड के साथ तो जाहिर सी बात है फिर हम उसकी थोड़ी तारीफ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में मैं खुद ही इसको कवर कर लूँ। ओके ओके दैट्स गुड, अच्छी अच्छी बात है, स्पिरिट अच्छी होनी चाहिए आप सबके पास कि भाई हो जाएगा, ठीक है। सो आज के तीन टास्क हैं, तीन टास्क हैं या चार टास्क हैं, लॉग इन फॉर्म ऑथोराइजेशन, ओके। तो मैंने पिछले 10 दिन की जो आप लोगों ने छुट्टी की है मैं उसका सारा बुर्कस आप लोगों को निकालने के मूड में हूँ आज, ओके। ये चार टास्क हैं, ये एक चार टास्क हैं, ठीक है। तो आप में से एक काम ये करें, बल्कि मैं काम करता हूँ, आप सब जो है ना ये चारों टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करें, ठीक है। सही, ठीक है जया, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा, लेकिन मैं बाकियों को भी तो एड्रेस कर रहा हूँ ना, जरा सुन तो लो पहले, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब कोशिश करें ये चारों टास्क परफॉर्म करने की नेक्स्ट सेशन से पहले पहले, ठीक है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा सैटरडे को होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को है 9 को, ठीक है। तो हमारे पास बीच में 2 दिन है, तो ये टास्क बहुत बड़े नहीं है, इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, अगर कोई कॉन्सेप्ट कोई इशू आप लोग फेस हो रहा है तो आप मुझे बता दें, मैं अभी तक का कोड में कमिट कर देता हूँ, ठीक है। आप ब्रांच में से उसका अपने पास अपडेट ले लीजिएगा, मैं उसके अपडेट की भी वो चीज़ें मैं बता देता हूँ किस तरह से अपडेट लेनी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई अभी तक का कोई क्वेश्चंस वगैरह किसी के जो पूछना चाह रहे हो? हाँ जी, आप पूछें, क्या इंट चाहिए आपको? ओके, सो जिया का सवाल यह है कि हम लोग ASP.NET के अंदर जो हमारी एंटिटीज होती है उनके ऊपर एट्रीब्यूट हमने लगाया होता है कि ये ईमेल है, ये हमारे पास नेम है, इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए, इसकी इतनी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास ASP.NET अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो हम होता क्या, हम ये एंटिटीज को असाइन कर रहे होते हैं, लेकिन हम वो यहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास हमने एंटिटियाँ डिफाइन की है इसको भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको जो आपको समझ आ रहा है बेहतर आप उस तरीके से करें, ठीक है। अगर नहीं हो रहा जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के दिन आपको बताऊंगा, ओके। सो जो जो आपको सिंपल लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे कि यार ये अच्छी बात है, वो आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, दैट विल बी गुड, ओके। सो इसके अलावा और किसी को कोई इश्यूज वगैरह हों? ओके, लगता है किसी को भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आज मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।